हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी। और आज हम लोग अपना सितंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ये सितंबर का पार्ट टू है, तो जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहे हैं करंट अफेयर्स के, जो न्यूज़ में बार बार हम लोगों ने देखे हैं, उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन appointed as the chief of defense staff in 2022, जिसे आप CDSB के नाम से भी जानते हैं और जिसकी फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑप्शंस है अनिल चौहान, हरि कुमार, मनोज पांडे या विनोद जनरल खेरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिल चौहान। बच्चों, जो अनिल चौहान है, अगर उनकी बात की जाए तो अनिल चौहान ने अपनी लाइफ के 40 साल के करियर में जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में काम किया है। ये 2021 में रिटायर हुए थे और अभी बिपिन रावत के बाद ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए चुने गए हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ए, जनरल अनिल चौहान। What is the theme of World's Rivers Day 2022 में जो World's Rivers Day बनाया जाता है उसके लिए क्या थीम दी गई है? The importance of rivers to biodiversity, the importance of rivers to sustainability, the importance of rivers to universe, the importance of rivers to climate change। इसका करेक्ट आंसर है ए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, बेसिकली जो आपका वर्ल्ड रिवर्स डे है वो फोर्थ संडे ऑफ सितंबर में मनाया जाता है हर साल। इस बार 25 सितंबर को ये मनाया गया है और जो इसका मोटिव होता है वो होता है कि जो आपको अवेयर करवाना लोगों को कि वाटर बॉडीज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ए, लेवर कप विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या टेबल टेनिस। लेवर्स कप की बात की जाए तो लेवर्स कप जो है आपका वो टेनिस स्पोर्ट से रिलेट करता है। ये टेनिस के लिए दिया जाता है। बेसिकली जो यूरोपियन टीम्स हैं, जो यूरोपियन टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो अपना डोमिनेंस दिखाते हैं बाकी वर्ल्ड की टीम पर। ये कहा जाता है कि इस लेवर्स कप में जो यूरोपियन प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम्स। तो द करेक्ट आंसर इज ए, टेनिस। और अभी राइट नाउ लंदन में ये ऑर्गेनाइज किया गया था और आपने देखा होगा कि इसकी न्यूज में भी बहुत चर्चा की गई है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, विच इंडियन ऑथर एंड पोएट इज द रिसिपिएंट ऑफ हरमन केस्टन प्राइज बाय जर्मन बेस्ड पेन सेंटर। द ऑप्शंस आर अरुंधति रॉय, मीना खंडा स्वामी, ओम प्रकाश वाल्मीकि या राज गोस्वामी। हरमन केस्टन प्राइज की बात की जाए बच्चों, तो ये प्राइज बेसिकली आपको लिटरेचर में दिया जाता है। जो स्टोरीज लिखते हैं ऑथर या जो पोएम्स होती है पोइट, उनको ये दिया जाता है। इस बार एक इंडियन ऑथर को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है जो है मीना खंडे स्वामी। तो द ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। विच प्लैनेट्स नेचुरल सैटेलाइट्स आर कॉल्ड एज गैलीलियन मून्स। द ऑप्शन आर सैटर्न, जुपिटर, वीनस या मरकरी। द करेक्ट आंसर इज बी, जुपिटर। ये नासा के द्वारा माना गया है। 26 सितंबर को ये बात आई थी सामने न्यूज में कि उनके हिसाब से ये माना जाता है कि जो जुपिटर हमारा जो प्लैनेट है उसमें 3 से 4 गैलीलियन मून्स दिखाई देते हैं जिन्हें आप बायनोकुलर से भी देख सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बी,
जुपिटर। विच इंडियन एयरलाइन हैज लॉन्च्ड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कॉल्ड विहान एआई? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एयर इंडिया। अभी अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने सबने बहुत न्यूज में पढ़ा था कि जो एयर इंडिया है उसको रतन टाटा ने टेक ओवर किया है, और अब उसके नए ओनर जो है वो टाटा ग्रुप्स है। उन्होंने अभी अगले 5 साल का एक मैप तैयार किया है एयर इंडिया को एक अच्छी सुविधाओं के साथ और वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने के लिए, जिसमें उन्होंने 5 साल का एक प्लान है जिसको विहान एआई के नाम से डिनोट किया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, एयर इंडिया। द इंडियन आर्मी हैज कोलेबरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर एक्टिवेटिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑन दी सियाचिन ग्लेशियर? द ऑप्शंस आर एयरटेल, जियो, बीबीएनएल या वीआई। द करेक्ट आंसर इज सी, बीबीएनएल। आप लोग जानते हैं बच्चे कि जो बीबीएनएल है उसको बोलते हैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है जो बेसिकली आपके इंटरनेट सर्विस के लिए मशहूर है। अभी राइट नाउ जो ये ग्लेशियर है ये आपका त्रिपुरा हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये कराकोरम रेंज है वहां पर ये है, और ये अप्रोक्स 19,000 फीट ऊंचा है। आपकी जो सी लेवल होता है उससे 19,000 हाइट पर है, और वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस दी जाए जिससे वहां पर इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल हो। वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाएगा, और इसके साथ साथ जितने भी रिमोट और रूरल एरिया है उसमें भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जाए। जिसके लिए कौन काम कर रहा है? बीबीएनएल इसके लिए काम कर रही है। किसके साथ हाथ मिला रही है? इंडियन आर्मी के साथ हाथ मिलाकर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हेमकोश, विच वॉज सीन इन द न्यूज, इज एन एशियंट डिक्शनरी ऑफ विच लैंग्वेज? द ऑप्शंस आर उर्दू, बंगाली, असामी या मराठी। अगर हेमकोश की बात की जाए तो बहुत ज्यादा न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि बेसिकली बेटा ये एक डिक्शनरी है जो असामी लैंग्वेज के लिए बनाई गई है, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। और अगर आपको असामी सीखनी है तो ये डिक्शनरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो द करेक्ट आंसर इज सी, असामी। विच पर्सनैलिटीज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज अंत्योदय दिवस इन इंडिया? द ऑप्शंस आर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। द करेक्ट आंसर इज ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप जिनको फोटो में भी देख सकते हैं, बहुत से बच्चे फोटो में देखकर पहचान गए होंगे। बेटा 2014 से जो 25 सितंबर को इनका बर्थडे आता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्हें अंत्योदय दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। ये 2014 में इसको बदला गया था, और 2014 से हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। ब्रज बसी लाल, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? म्यूजिक, आर्कोलॉजी, लिटरेचर या बिजनेस? ब्रज बसी लाल जो अभी 101 साल में मरे हैं, बहुत बड़ी हस्ती थे जो एक आर्कोलॉजिस्ट थे, और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इन 2000 में, जो बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारी खोजें की थी, जिसमें हस्तिनापुर, पुराना किला, ऐसे बहुत से नाम इंक्लूडेड है। ये बेसिकली बेटा डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, और अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है।
तो अगर आपको ब्रज बसी लाल का कहीं पे भी नाम आता है तो आपके दिमाग में सेम टाइम स्ट्राइक करना चाहिए कि वो बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे और जिनको आप फोटो में देख भी सकते हैं। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द मोनार्च इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। द ऑप्शन आर किंग चार्ली III, क्वीन कंसोर्ट कैमिलिला, प्रिंस विलियम्स या प्रिंस हैरी। द करेक्ट आंसर इज ए। हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद किंग चार्ली III, उनके जो बेटे हैं वो नए किंग बने हैं लंदन के, और अभी करेंटली उनको ऑफिशियल नेम ऑफ मोनार्च इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सम्मानित किया गया है इस ऑफिशियल नेम से। बेसिकली मोनार्च का मतलब एक तितली से रिलेट करता है, लेकिन उनका ऑफिशियल नेम मोनार्च दिया गया है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और पूछा भी जा सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, किंग चार्लीज III। ऑपरेशन लंदन ब्रिज which was seen in the news is associated with which field? Brexit, Russia-Ukraine crisis, plan to deal with monarch's death, India-UK trade. The correct answer is C, plan to deal with monarch's death. Basically अभी जो एलिजाबेथ II जिनकी डेथ हुई है 96 years में, वो रिलेट किया गया है ऑपरेशन लंदन ब्रिज से, जिन्होंने 70 साल तक राज्य में राज किया था। तो द करेक्ट आंसर इज सी, प्लान टू डील विद मोनार्च्स डेथ। विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च द चट्टा स्कीम? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या उड़ीसा। इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। अभी राइट नाउ जो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, वो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने एक नया कदम उठाया है हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग के अगेंस्ट, जिसमें जो रेन वाटर होता है उसको इकट्ठा करके उसको यूज़ किया जाए और फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाए। इस स्कीम को ही चट्टा स्कीम के नाम से प्रोड्यूस किया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज डी, ओडिशा। संवत्सरी डे इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन? ए बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म या सिखिज्म। द करेक्ट आंसर इज सी, जैनिज्म। जैसा कि बच्चों आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि जो ज्यादातर आप देखते हैं कि जो जैनी लोग होते हैं उनका सिंबल हाथ जोड़ना होता है, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। तो ये जो संवत्सरी जो डे है वो जैनी लोग मनाते हैं, और ये दिगंबर जी के टाइम से चला आ रहा है, जो आजकल बहुत न्यूज़ में देखा भी होगा आपने। तो द करेक्ट आंसर इज सी, जैनिज्म। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल हैज अलाउड विच सोशल मीडिया ऐप ऑन टू द गूगल प्ले स्टोर आफ्टर इट वॉज रिमूव्ड इन 2021? The options are शेयर चैट, TikTok, पार्ले या ट्रुथ। Google ने 2021 में किस ऐप को रिमूव किया था और अभी उसको अपने Google Play Store पर वापस लिया है? Yes, the correct answer is C, पार्ले। अगर पार्ले की बात की जाए तो बेसिकली गूगल जो था उसने जनवरी 2021 में गूगल प्ले स्टोर में से पार्ले को रिमूव कर दिया था, क्योंकि मई 2001 में यूएस में बहुत सारी वायलेंस हुई थी जिसका कारण पार्ले को माना गया था, क्योंकि पार्ले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो लोगों को फ्री स्पीच या फिर अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें बहुत गलत गलत मैसेज दिए जाते हैं और लोगों को बहुत तरीके से उकसाया जाता है। तो इन दैट केस जो पार्ले को है गूगल ऐप गूगल प्ले स्टोर में से हटा दिया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसको वापस एड ऑन किया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज सी, पार्ले। थैंक
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर लेकर. कीप वॉचिंग मी. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू.